सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल कैट डिज़ाइन शिक्षा नए नए वीडियो पाने के लिए। आज हम एक नई एक्सरसाइज करेंगे, तो ये पैरामीटर हैं ड्राइंग के। तो सबसे पहले हम ये दोनों व्यू देख लेते हैं। ड्राइंग में दो व्यू हैं, सबसे पहले हम बड़े वाले डायमीटर से स्टार्ट करते हैं। डायमीटर 75 का है, क्लिक कर देंगे, डी एंटर 75। उसके बाद नेक्स्ट डायमीटर है हमारा 52 डायमीटर, देन एक डायमीटर है 36, ये वाला डायमीटर, फिर सबसे छोटा डायमीटर है 25। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ सर्कल हैं और सर्कल का जो साइज है इसका डायमीटर ऊपर से चेक करते हैं, तो डायमीटर है 7 और दूसरा डायमीटर है छोटा वाला 5। सर्कल ले लेते हैं, क्लिक करेंगे, डी एंटर फॉर डाया 7, एंटर। सर्कल लेंगे डायमीटर के लिए, डी एंटर 5, एंटर। इसको पैटर्न करना है तो एरे कमांड, ए आर एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, पोलर सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, आइटम 4, एंटर, क्लोज एरे। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे एक सेंटर लाइन क्रिएट करनी है, तो एक सेंटर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन दी है हमें जो कि 30 डिग्री पे है, तो इसको हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन कमांड लेंगे, एल एंटर, और यहाँ से करेंगे शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे एट द रेट, ये एंगल देने के लिए होता है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। एस्केप करेंगे, सबसे पहले एल एंटर करेंगे, एल एंटर करने के बाद क्लिक करेंगे, यहाँ से लेंगे शिफ्ट एट द रेट, लेंथ हम कितनी भी ले सकते हैं, तो लेंथ हमने ले ली 40। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ यहाँ एक बटन मिलेगा आपको लेस देन, लेस देन पे क्लिक करेंगे। अब अगला स्टेप होता है एंगल के लिए, तो ये 0 डिग्री से मेजरमेंट करते हैं हम, 0, 90, 180 से 30 mm हम नीचे आ रहे हैं, तो 180 प्लस 30 हो जाता है 210, तो हम टाइप कर देंगे 210, एंटर कर देंगे,
फिर एंटर करेंगे कमांड से बाहर आने के लिए। तो यहाँ से आपकी लाइन 30 डिग्री के एंगल पे आ गई है, इसको क्लिक करके मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। ऑर्थो ऑफ कर देंगे, F8, एस्केप कर देंगे। अब ये जो होल है इसकी ऑफसेट देख लेते हैं हम कितने की ऑफसेट है। तो ऊपर वाले व्यू में जाते हैं, ये डायमीटर 4 का होल है तो हम ऑफसेट कर देंगे, वो एंटर टू एंटर बोथ साइड। एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम करनी है, टी आर डबल एंटर। यहाँ तक हमारा पार्ट बन गया है। अब हम इसमें सेंटर लाइन वगैरह क्रिएट करेंगे, डॉटेड लाइन, सेंटर लाइन या हिडन लाइन। लाइन पे डबल क्लिक करेंगे, कलर देंगे, लाइन टाइप में जाएंगे, सेंटर लाइन, मैच प्रॉपर्टी MA एंटर, ये मैच कर देंगे। और ये हमें हिडन लाइन में दिखानी है, यहाँ से हम लेंगे हिडन, कलर डिफाइन कर देंगे, मैच प्रॉपर्टी करेंगे, नेक्स्ट हमें इसका फ्रंट व्यू आगे क्रिएट करना है। तो यहाँ से हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं ऊपर की तरफ, क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये वाला डायमीटर शो करना है ड्राइंग के अंदर। ये डायमीटर हमारा है 75। तो इसका हाफ कर लेंगे हम 37.5, एंटर करेंगे। फिर हमें नीचे आना है, इस लाइन को फॉलो करना है। ये लाइन है हमारी 18 mm की, तो सिंपल लाइन कमांड लेके नीचे आ जाएंगे 18। अब दोस्तों हमें ये लेंथ निकालनी है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले डायमीटर में से नीचे वाला डाया घटा देंगे। तो ये ऊपर वाला डाया जो हमारा है वो है 75 mm का, तो 75 में से हम लेस कर देंगे 48 डिवाइड बाय 2, दो से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 13.5। ये वाली लेंथ हमारी है 13.5, एस्केप कर देंगे। यहाँ से लाइन लेंगे 13.5, एंटर करेंगे। ऐसे हमको ये लेंथ निकालनी है, तो इस लेंथ को निकालने के लिए टोटल लेंथ है 26 माइनस 18, तो ये लेंथ बचेगी हमारी 8 mm की, 8 mm, एस्केप कर देंगे। यहाँ से लाइन क्रिएट कर लेंगे 8 mm, एंटर, लाइन लेंगे, इस लाइन को इस सेंटर लाइन से मैच करा देंगे। नेक्स्ट हमारा डायमीटर ये वाला है, तो ये डायमीटर हमारा 36 का डायमीटर है, ये
इसका हम ऑफसेट कर लेते हैं 18 पे इस तरीके से, और इसकी डेप्थ है 15 mm ऊपर से नीचे, ऑफसेट ले लेंगे 15 mm, बाकी ट्रिम कर देंगे। इसको डिलीट कर देंगे और ये लाइन सेंटर लाइन पे मैच करवा देंगे ऐसे। यहाँ पर एक रेडियस दिया हुआ है 1 का, तो एफ एंटर आर एंटर 1 एंटर। नेक्स्ट ये डायमीटर है हमारा 25 का, यहाँ से दिया हुआ है सबसे छोटा डायमीटर, तो इसको ऑफसेट कर लेंगे 12.5। एक्स्ट्रा लाइन कट कर देंगे, डिलीट। तो इस तरह हमने हाफ ऑब्जेक्ट बना लिया है। इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से कमांड लेंगे हैच सेक्शन दिखाने के लिए, शॉर्टकट होता है एच एंटर। पिक पॉइंट, पिक पॉइंट में बाउंड्री सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल जेड करेंगे, पीछे जाएंगे दोबारा से हैच कमांड, पिक पॉइंट, बाउंड्री सेलेक्ट। यहाँ से पैटर्न हम लेंगे ANS 131, कलर आप दे सकते हैं जो आपको चाहिए। कितने एंगल पे इसको रोटेट करना चाहते हैं सेक्शन को, स्केलिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं सेक्शन लाइन का गैप। यहाँ से हम कर देंगे क्लोज। मिरर कमांड का यूज़ करेंगे, MI एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एंटर करेंगे, पहले टॉप पे क्लिक फिर बॉटम पे क्लिक देन एंटर। तो इस तरह से ड्राइंग हमारी कंप्लीट है। मैच प्रॉपर्टी करेंगे, अब यहाँ पे हमें ये होल दिखाना है जो नीचे 130 डिग्री पे हमने क्रिएट किया था। इसके लिए दोस्तों पहले हैच डिलीट कर देते हैं, ऊपर से हमें ऑफसेट लेना है 7 mm का, वो एंटर 7 एंटर, ऑफसेट दे देंगे 2 का बोथ साइड, ट्रिम कर देंगे। लाइन को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, मैच प्रॉपर्टी, हैच, पिक पॉइंट क्लिक करेंगे, यहां से क्लोज। इसके बाद आप डायमेंशन मेंशन कर सकते हैं इसकी, एंगुलर, डायमीटर में जाके डायमीटर मेंशन करेंगे,
इस तरह से आप ऊपर भी डायमेंशन दे सकते हैं। यहाँ पर ये होल हमें शो करने हैं, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे हैच को, और यहाँ से सेंटर से ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों पहला जो डायमीटर है हमारा वो है 7 का, तो 3.5 की ऑफसेट लेंगे हम बोथ साइड। इसकी डेप्थ चेक कर लेते हैं, डेप्थ है 4 mm, 4 mm का ऑफसेट अप टू डाउन, बाकी ट्रिम कर देंगे। इस तरीके से सेकेंड डायमीटर है नीचे वाला 5 mm का, और उसकी डेप्थ है 6 की, ऑफसेट 2.5, अप टू डाउन ऑफसेट 6 mm, बाकी ट्रिम कर देंगे। इस लाइन को थोड़ा एडजस्ट करेंगे, मैश प्रॉपर्टी, डायमेंशन आप यहां से दे सकते हैं। हैच कमांड, पिक पॉइंट, बाउंड्री सेलेक्ट, क्लोज। तो ऐसे वन बाय वन आप डायमेंशन कंप्लीट दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।